तो चलिए आपको सीधा जोधपुर ले चलते हैं। मारवाड़ गौ सेवा सम्मान समारोह में मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर का संबोधन सुनिए आप। विषय जिसको जागृत करने के लिए ये प्रयास करके हमारे पवन जी अरोड़ा, मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया, आपको धन्यवाद। आप सबने सबको यहाँ पे एकत्रित किया और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया। मंच में विराजमान कपिल जी अग्रवाल हमारे बहुत पुराने साथी और एवर यंग राजीव जी गौड़, और यहाँ विराजमान सब हमारी बहनें, युवा पीढ़ी, बुजुर्ग भाई लोग, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पवन जी को कि आपने इस सभा के योग्य हमें समझ के हमें बुलाकर आज ये कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। ये खुशी की बात है कि जो इस विषय से सबसे क्लोजली रिलेटेड जो व्यक्ति यहाँ पर मंच पे हैं, जोराराम जी, जिनका विभाग है, विभाग के वो हेड हैं, और कई बातें जोराराम जी ने आज हमें बताई, सरकार क्या क्या करने जा रही है। और मैं आपको एक चीज आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, ये मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूं, हमारी बीजेपी की जो सरकार है, जो हिंदुइज्म से बहुत डीपली कनेक्टेड है, हमारी सरकार है, अगर गौ सेवा के लिए कुछ करेगी तो हमारी सरकार करेगी, और आपको बहुत आशाएं होंगी हमारी सरकार से। अगर पुरातन काल से देखा जाता है कि जो गौ माता को महत्व क्यों दिया गया, 9500 वर्ष पहले गुरु वशिष्ठ जी के समय से, और ये जो चीज जो है ये बहुत ही टेक्निकल चीज है कि अकाल बहुत पड़ते थे, अभी तो पेड़ पौधे सब जगह ग्राउंड वाटर से लोगों ने उगा दिए, पेड़ बहुत कम वृक्ष कम होते थे और बरसातें कम होती थी, खास करके मारवाड़ जैसे और जैसलमेर जैसे एरिया के अंदर। और जब अकाल पड़ते थे लगातार, तो हमारे जिंदा रहने का एक ही तरीका था, हमारी गौ माता, क्योंकि वो गाय जो है सूखा चारा, सूखी झाड़ियाँ और चर चरा के अपना पेट भर के अपने को दूध देती, और वो दूध से अपन घी मक्खन, जिसमें खाना पकाना, हमारे खाने पीने की चीज़ जैसे खाटा है, हमारी लस्सी, दूध, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमें जिंदा रखने का जो एक ही जो सूत्र था वो थी गौ माता। और जिस समय मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, तो किसान किस पे निर्भर होता था, बैल के ऊपर, खड़ाई वही करता था, पेट भराई वही करता था। और आज ये जो फर्टिलाइजर्स जो हैं, आज आप गेहूं भी खाते हैं तो जब गेहूं का बीज बोते हैं तो उसके अंदर यूरिया और डीएपी साथ डाला जाता है, फसल कोई भी हो स्प्रे बिना वो नहीं रहती है, फल फ्रूट आप जो भी खाते हैं उसको फ्रूट उसको स्प्रे नहीं किया जाए पेस्टिसाइड से, तो जो बागवान है, जो वहां बाग का जो मालिक है, उसको अच्छी फसल नहीं मिलती है। हर चीज के अंदर पोल्यूशन, मैं तो मेरी गाय जो गांव में रखता हूं, मैं तो उसको जवार बोता हूं मेरे खेत के अंदर देसी खाद डाल के, और वो जो उसका जो चिपटा होता है वही उसका मुख्य उसका सोर्स ऑफ नरिशमेंट होता है, कि दूध जो है कम से कम हमें प्योर मिले।
ये जितने भी चारे बाजार में मिलते हैं ना, सब फर्टिलाइजर से उगाए हुए होते हैं। प्योर मिल्क चाहिए तो आप अपने घर में बिना फर्टिलाइजर के देसी खाद से आप जो भी चारा उगाएं वही आप गाय को फीड करें आप। और हमारे जो गाय का गोबर है, आज तो आप देखिए टेक्नोलॉजी से गोबर गैस, आप अपना पूरा घर का खाना जो गैस जो गोबर गैस से होता है वो भी आप कर सकते हैं। अपना खेत को उपजाऊ बनाने के लिए खाद गोबर बेस्ट रहती है। गाय के यूरिन से आपके कई आयुर्वेदिक दवाइयां बन रही हैं, और मुझे यही नहीं मालूम, मुझे अभी यही मालूम पड़ा, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि गाय एक जानवर है, हम सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। गाय एक जानवर है जो ऑक्सीजन इनहेल करके ऑक्सीजन ही एक्सहेल करती है, ये मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। सो जो समय का बदलाव जैसे आया है, हम लोग जैसे शहरों में जाने लग गए, जमीनें महंगी होने लग गई, आबादी बढ़ने लग गई, तो गौ पालन जो है वो धीमे धीमे खत्म होने लगा। आज थैलियों का दूध मिलता है, पेस्चराइज मिल्क मिलता है, और जो जमीन का जो समस्या और महंगाई है, और गाय को खाना पीना देने के लिए बहुत महंगा पड़ता है, तो लोगों के अफोर्डेबल नहीं रहा, जगह नहीं रही कि गाय का पालन हम करें। और हमें सबको एक चीज की शर्म आनी चाहिए, हमारे गांव के अंदर हम गांव रखते हैं, गाय रखते हैं, बछड़ा होता है या फिर वो दूध देना बंद कर देती है एक सर्टन उम्र के बाद, तो हम रात को गांव के अंदर अपना दरवाजा खोल के उसको धकेल देते हैं स्ट्रीट्स में। पॉलिथीन खाती है, कचरा खाती है, बीमार हो जाती है, और सबसे बाहरी नज़ारा तो आपको जब आप अपनी गाड़ी लेके आप हाईवे पे जाते हैं क्या नज़ारा मिलता है आपको, वो तो टक्कर से मरती है, हमारी भी मौत हो जाती है रात को गाड़ी में गए। तो ये जो समस्या है, जो मैनेज है, जो हमारा जो सोचने का स्तर जो गिर गया है और हम इतने सेल्फिश हो गए हैं, तो इसके अंदर मैं सोचता हूं सबसे भारी श्रेय, सबसे भारी धर्म की पालना, सबसे भारी ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए जो लोग सच्चे मन से अपने गौशाला के साथ जरिए उन अनाथ गायों का की सेवा करते हैं। मैं मंत्री जी को कहूंगा कि सरकार को जो भी अब कई न्यूयॉर्क वगैरह में आप कुत्ता पालते हैं उसकी रजिस्ट्री होती है कि आपका जानवर की रजिस्ट्री के बिना आप नहीं रख सकते हैं, गायों के ऊपर भी टैगिंग होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उन बछड़ों का, उन गायों का, उनका क्या हुआ। और गौशालाएं जो हैं कई अच्छे विचारधारा की है, वो एक्चुअल में सेवा करती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो खाली धन कमाने में लग जाती हैं, मिक्स मैच है, पर अधिकतम जो गौशालाएं हैं वो अपने सच्चे मन से